देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमें डर लगता है कि सत्ताधारी जो आज हैं फ्लोर पे हारने के बाद कहीं राष्ट्रपति शासन फिर ना लगा दें। सुप्रीम कोर्ट कल 10:30 बजे इस मसले पे अपना ऑर्डर पास करेगा। महाराष्ट्र में किसका मंगल, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। बेशक हर नजर सवाल पर अटक गई है क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुनवाई के बाद कल यानी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे फैसला आने वाला है। इस सबके बीच बीजेपी के पास क्या विकल्प हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, सियासत से जुड़े कितने कयास लगाए जा रहे हैं, एनसीपी के खेमे में कितनी खलबली है, इस सब पर आज अगले एक घंटे दिन की सबसे बड़ी बहस में मेरे साथ जुड़ेंगे बहुत से मेहमान। और यकीन जानिए आज हमारे मेहमान कई नए खुलासे करने वाले हैं, लेकिन उस सबसे पहले महाराष्ट्र के ताजा हालात और दिल्ली में तैयार होती दरअसल महाराष्ट्र की सियासी फिल्म का क्लाइमेक्स कैसा होगा, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासत का संग्राम सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचने के बाद अब इंतजार मंगलवार सुबह 10:30 बजे का है। 24 घंटों से भी कम वक्त के इस इंतजार के बाद ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसका मंगल होगा। कोर्ट ने कहा कि केवल इसी मुद्दे पे हम सुनवाई कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और इसी मुद्दे के ऊपर उन्होंने सुनवाई पूरी करी और फ्लोर टेस्ट के लिए 10:30 बजे कल ऑर्डर पास करने के लिए रिजर्व कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कल 10:30 बजे इस मसले पे अपना ऑर्डर पास करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना का खेमा 162 सीटों के अपने दावे पर अड़ा हुआ है। एनसीपी जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग उठाती नजर आ रही है। 165 का संख्या बल हमारे साथ है, जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो हम चाहते हैं। फ्लोर पे सरकार को हम प्रास करेंगे और हमने राज्यपाल महोदय के पास तीनों दलों के समर्थन की चिट्ठी दे दी है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से कि एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है। दूसरी तरफ बीजेपी और अजीत पवार के खेमे के अपने दावे हैं। प्रोटेस्ट पर फैसला आने से पहले बीजेपी को उम्मीद है कि जनादेश उनके पक्ष में है और जीत भी उनकी होगी। हमारा मानना है कि आज की तारीख में वहां पर जनादेश की विजय होगी और जनादेश जनतंत्र और जुगाड़ तंत्र के बीच में जनतंत्र विजयी होगा। महाराष्ट्र की जंग सुप्रीम कोर्ट के साथ दिल्ली की सड़कों पर भी आ गई है। सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा निकाला। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस ने पुतले जलाए तो दूसरी तरफ सदन में राहुल गांधी ने अपनी चिंता जाहिर की। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। महाराष्ट्र का सियासी संग्राम दिल्ली की सड़कों तक अपना असर दिखा रहा है। इस सब के बीच एनसीपी की तरफ से अजीत पवार को मनाने की कोशिशें और कवायद तेजी से चल रही है, लेकिन इस सब के बीच नजरें अभी मंगलवार पर ही टिकी हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने ताजा हालात तो समझ लिए महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन R9 TV के क्या सवाल हैं उनका जिक्र करते हैं। सवाल नंबर एक, फ्लोर टेस्ट में बीजेपी कैसे साबित करेगी बहुमत? क्या अजित पवार का साथ देंगे एनसीपी वाले विधायक? 26 दिनों के बाद शिवसेना कांग्रेस क्यों कर रही है जल्दबाजी?
क्या अजीत पवार केस से बचने के लिए बीजेपी के साथ आए? क्या अजीत पवार को समर्थन देने का इनाम भी हाथों हाथ मिल गया? तो ये बड़े सवाल कैसे बनेगी, कैसे फ्लोर टेस्ट पास कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? अजीत पवार जो आए हैं उनको हाथों हाथ जो इनाम मिला है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका क्या कुछ कहना होगा? क्या अजीत पवार का साथ देंगे एनसीपी के विधायक? ये भी बड़ा सवाल। और 26 दिनों के बाद शिवसेना कांग्रेस जल्दबाजी में क्यों है? क्या अजीत पवार केस से बचने के लिए बीजेपी के साथ आए, रातों रात उन्होंने मन बदला, या फिर ऐसा क्या हुआ, किसके इशारे पर हुआ, अपनी मर्जी से हुआ, या वाकई में परिवार में फूट हो गई, पार्टी में फूट हो गई? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। AR9 टीवी के सवाल जो टीवी स्क्रीन पर है आपकी, 26 दिनों के बाद शिवसेना कांग्रेस क्यों कर रही है जल्दबाजी? और इन्हीं सवालों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मेहमान सभी पार्टियों के लगभग जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरीश भारद्वाज नेता कांग्रेस, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रमोद कुमार एडवोकेट, इनकी हमें सख्त जरूरत पड़ेगी बहुत कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जानने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। और सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा दरअसल कि फ्लोर टेस्ट पर अब बात आ गई है, हालांकि कल ये बात क्लियर होगी। महाराष्ट्र में मंगल किसका होगा? मंगलवार को 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि फ्लोर टेस्ट होना है तो कब होना है। फिलहाल 24-24 करके 48 घंटे की मोहलत तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिल चुकी है। अनिरुद्ध सिंह, ये बताइए कि आपको मोहलत अच्छी खासी मिल चुकी है और अब फ्लोर टेस्ट की अगर बारी आती है, शुरुआत मैं इस तरीके से करना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि अजीत पवार को लेकर आप दम भर रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, या आपकी सरकार बन जाएगी, आपको मेजोरिटी मिल जाएगी, लेकिन उन अजीत पवार के जो विधायक हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाया कि अजीत पवार के साथ हैं, शरद पवार के साथ हैं, पार्टी में टूट हुई है या दिखावा किया गया है, ये कर क्या रहे हैं आप? देखिए, मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूंगा, मैं तो चाह रहा था शुरू से बोलूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा जो लास्ट में आपने बोला कि वो विधायक अजीत पवार जी के साथ हैं या नहीं साथ हैं, तो 22 नवंबर तक अजीत पवार जी ऑलरेडी एनसीपी के साथ थे। एनसीपी को ये नहीं पता था कि वो हमारे साथ हैं किसके साथ हैं। तो राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी संभव कभी भी हो जाता है। देखिए, जब सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस जी को इन्वाइट किया गया था तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, मेरे पास में नंबर नहीं है। उसके बाद इन दोनों पार्टी को जब हमें लगा कि हमारे पास नंबर है, जब ये लगा कि हमारे पास नंबर है, तब हमने जाके पे अपने को प्रपोज किया कि हम सरकार गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो उसमें तो ऐसा है नहीं। और रहेगी बात कि फ्लोर टेस्ट होने के लिए, फ्लोर टेस्ट होना तो जरूरी है, वो तो गवर्नर साहब ने 30 तारीख का डेट दिया हुआ है, तो फ्लोर टेस्ट उसमें होना। ये लोग कितनी हड़बड़ी कर रहे हैं, इन लोगों के पास में जब इतने ज्यादा नंबर है, संख्या परेड मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज तक गवर्नर साहब के सामने नहीं गए कि साहब देखिए हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे नेता ये हैं, इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाइए आप। उस टाइम अगर कोई मना करता, कोई कुछ करता, तो वो लोग तो कर नहीं रहे हैं। बस वो लोग आज भी, वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हमारा नेता कौन, हम सरकार बनाएंगे, नहीं वो छोड़िए, लेकिन इंटेक्ट करके, नहीं नहीं वो इंटेक्ट करके यही बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में ये विधायक हैं किसी। अनुरूप साहब, आप जब दावा ठोक रहे हैं कि 170 विधायक आपके साथ हैं, फिर देर लेट लतीफी किस बात की? पहले आपको लगता है कि एक महीना, आपको लग रहा है कि एक महीना जो सरकार की लेट लतीफी हुई है वो कम है, अभी 2-4 महीने और खींचिए। बात नहीं हुई थी, हमारे पास नंबर नहीं था, तो हमने मना कर दिया था। तो 170 सीटों का आप दावा कर रहे हैं ना? बिल्कुल, 170 विधायकों का आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर फ्लोर टेस्ट में इतनी देरी क्यों? नहीं, फ्लोर टेस्ट के लिए हम लोग कहां कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट मत कराइए, हम लोग तो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करा लीजिए। हम लोग मना कब किए फ्लोर टेस्ट नहीं कराइए? नहीं, आपके जो वकीलों ने दलीलें दी हैं, आपके जो वकीलों ने दलीलें दी हैं उनसे समझ भी यही आता है, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी एनसीपी पार्टी वो भी यही कह रहे हैं कि आप दरअसल बहका रहे हैं कोर्ट को, आप सिर्फ वक्त लेना चाहते हैं। नहीं, वक्त नहीं लेने, और वक्त की आपको सख्त दरकार भी है। स्पष्ट रूप से कहा कि फ्लोर टेस्ट जो होता है, हमारे जितने भी वहां गए पक्ष रखने के लिए गए थे, चाहे मनिंदर सिंह जी, अजीत पवार जी का रखे, चाहे तुषार मेहता जी रखे, किसी का भी पक्ष रखा गया, साफ ये कहा गया कि जो फ्लोर जो टेस्ट होता है मेजोरिटी का, वो विधानसभा के अंदर होगा, ना कि राज्यपाल जी के या ना कोर्ट के यहाँ। कोर्ट ने भी ये कहा कि आपका जो सवाल है ना कि कांग्रेस एनसीपी को इतनी जल्दी क्यों है, वही सवाल कांग्रेस एनसीपी का है। उनका सवाल यह है कि आप इतनी देरी क्यों करना चाहते हैं, उनका सवाल यह है कि आप इतनी देरी क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है
और कुछ 48 घंटों के अंदर 24 घंटों के अंदर आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ जाएगा। बिल्कुल साबित करेंगे, बिल्कुल साबित किया जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें साबित नहीं किया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट तो टाइम लेके ही टाइम देगा ना, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कर्नाटक में ऐसा हुआ था, वहां पे ऐसा हुआ था, वहां पे कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी असेंबली, यहाँ पे तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होने टाइम लगेगा, तो जो भी समय लगेगा उसके बाद उसमें फ्लोर टेस्ट हम क्लियर करेंगे, उसमें ऐसी कोई इशू नहीं है। अच्छा कौशिक साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, एक तरफ बताया जा रहा है कि 170 से ज्यादा विधायकों का आंकड़ा उनके पास है, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि उनके पास भी 154 160 के आसपास विधायक है। मैं ये समझना चाहता हूं कि 300 से ज्यादा है क्या महाराष्ट्र में विधायक, क्योंकि आंकड़ा तो ये कहता है 170 165 ये तो 300 से भी कहीं ऊपर आंकड़ा बन गया, इतने विधायक हैं। नहीं पठानिया जी, सुबह से कुछ आंकड़े अलग अलग पार्टियां अपना दे रही हैं, लेकिन वो तो फ्लेयर टेस्ट में ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर में किसके साथ कितने हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस होटल हयात में शाम को 7 बजे मीडिया के सामने परेड कराएंगी अपने विधायकों का, और ये गिनती गिनाएंगी कि हमारे साथ 162 हैं विधायक, देख लीजिए। इसकी आवश्यकता क्या है? आप गवर्नर के हाउस, गवर्नर के घर क्यों जा रहे हैं आप उन विधायकों को लेकर के गवर्नर के घर जाइए। और अभी तक ऐसा आ रहा है किसी भी पार्टी ने किसी को अभी समर्थन क्यों नहीं दिया? क्या एनसीपी, क्या कांग्रेस शिवसेना को समर्थन दे रही है रिटर्न में लिख के कि हम शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे? काम की बातें नहीं हो रही हैं, काम की बात करिए, वास्तव में सरकार कैसे बनेगी? और जब तक आप जब अलाउ करेंगे ये सरकार गिर तो जाए, पहले फ्लोर टेस्ट पे फेल होगी पास होगी ये बात की चीज है। विपक्ष जिस विश्वास के साथ सुप्रीम कोर्ट गया है उसका आने का इंतजार विपक्ष को ईमानदारी से करना चाहिए और फ्लोर टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, कौन किसके साथ है। मीडिया के सामने आप परेड कराएंगे या अपने विधायकों को होटल चेंज करा रहे हैं, इन सबसे कुछ रखने वाला नहीं है। ईमानदारी से एक लोकतंत्र की आपको रक्षा करनी है तो आप फ्लोर टेस्ट में जाइए, जो नियमानुसार जो चीजें हैं उनको रखिएगा, पानी का पानी होगा। हरी जी, सवाल मेरा आपसे अब ये कि आप और कुल मिलाकर तीनों पार्टियां जो पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो शासन है कैसे रातों रात हटा दिया गया, उस बात को भी चैलेंज किया गया है, और दूसरा फ्लोर टेस्ट को जल्द से जल्द कराने की बात की जा रही है। लेकिन आप इस पर संवैधानिक और ये चीजें बातों को डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर लबोलवाब ये है कि आपकी दुकान खुली हुई है, आपकी दुकान को खतरा है, आपके विधायक बिकाऊ हैं, और इस चक्कर में आपको लग रहा है कि जो हो जल्दी हो जाए नहीं तो गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी, यही है। देखिए 2 मिनट का समय दीजिए। जिस प्रकार से राजनीति की न्यूनतम स्तर और नग्नता का जो लोकतंत्र का चीर हरण किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ऐसा भारत के इतिहास में आज तक कभी हुआ नहीं। दूसरी बात, इस चैनल में बैठे हुए लोगों के अलावा पूरा देश इस तरह से अंतरात्मा से जानता है कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, इस सरकार के पास बिल्कुल कदापि बहुमत नहीं था। लोकतंत्र का चीर हरण करके, चोरी करके, रात के अंधेरे में, रातों रात राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना कैबिनेट का, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर वे लोग जो राजनीतिक शुचिता की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, आज केवल सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल लोकतंत्र में इन लोगों ने बना दिया है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस देश के अंदर, कहीं ना कहीं लोकतंत्र रसाताल में पहुंचाया जा रहा है, कहीं पर भी लोकतंत्र बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहां पर आप देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ है, सत्ता के पास जो इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन यह जुगाड़ किया जा रहा है किस प्रकार से हम लोकतंत्र के जो विधायक हैं उनको खरीद सकते हैं। जैसा इन्होंने नंगा नाच किया था कर्नाटक के अंदर, जैसा नंगा नाच किया इन्होंने मणिपुर के अंदर, जैसा नंगा नाच किया इन्होंने मेघालय के अंदर, वहां पर सत्ता दो दो विधायकों के बल पर वहां पर सत्ता ये प्राप्त कर लिया था। ये एक नया स्वरूप नरेंद्र मोदी जी इस भारत के लोकतंत्र को दे रहे हैं जो कल्पनीय नहीं है, जिसकी कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। ऐसा ऐसा स्वरूप खड़ा कर दिया है। अनुरोध जी, जवाब देना होगा, ये जो नया स्वरूप आप गढ़ रहे हैं, आपके पास आंकड़ा है नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं
नहीं, आपको पता नहीं कितने विधायक आपके साथ है कितने नहीं। अजीत पवार साहब को खुद नहीं पता उनके साथ कितने विधायक हैं। अजीत पवार को डराया गया, धमकाया गया, आज ही आपकी न्यूज चैनल में मैं देख रहा था, उसके ऊपर से 70,000 करोड़ के केस माफ कर दिए गए हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? वहां पर लोगों को धमकाते हो, डराते हो, उसके ऊपर ईडी सीबीआई सब तरह के दबाव डालते हो, उसके बाद में उसको सत्ता का लालच देते हो कि या तो हमारे साथ आ जाओ वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, और अगर हमारे साथ आ जाओगे तो हम आपको पाक साफ कर देंगे। ये लोकतंत्र का न्यूनतम स्वरूप है। वे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, आप लोगों को बरगलाने की परमिशन देना चाहते हो, नहीं, आदर्शों का हवाला देंगे, आप लोगों को गुर्गे। दो बातें आ रही हैं, एक तो बहुत बड़े बड़े खर्चे करके आप 5-स्टार होटलों में रख रहे हैं, आपके पास कांग्रेस का कोई कार्यालय नहीं है, आपके पास केंद्रीय कार्यालय नहीं है, सारी पार्टियां करती हैं। मैं सीधा आप पर इल्जाम लगा रहा हूं। दूसरी बात, आपके विधायक, दूसरी बात, आपके विधायक क्या इतने बिकाऊ, इतने बचाने पड़ते हैं आपको? कभी आपको होटल ईगल में ले जाना पड़ता है, कभी बेंगलोर की सैर करवाते हैं, कभी जयपुर की सैर करवाते हैं। अरे साहब, हमने देखा है मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर, कर्नाटक के अंदर किस प्रकार से तो आप में भी है ना, विधायकों को लालच दे करके, रिश्वत दे करके, अरे तो जीभ तो आपकी भी लपलपाती है, डरा करके जीभ आपकी लपलपाती है, लपलपाती कर लिया जीभ आपकी, लपलपाती है। और ये लोकतंत्र का, आप भी यहाँ पर अनुरूप सिंह, ये लोकतंत्र का अनुरूप सिंह, बिल्कुल ये लोकतंत्र का सरासर मजाक है। अनुरूप सिंह जी, एसीबी आज ही आपने दुल्हन ब्याही नहीं, और आपने मतलब देश की डिमांड पहले कर दी। आप ये बताइए कि एसीबी से नौ केस जो है आज वापस ले लिए गए, मुझे नहीं पता वापस लिए गए, लेकिन शिवसेना ने साफ तौर पर यह कहा है कि एसीबी से नौ केस वापस लिए गए। तथ्यों के आधारित पर नहीं, क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसका रिप्लाई शिवसेना से ही लीजिए। हमारे कांग्रेस के मित्र इतनी बढ़िया लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे थे, इनको शायद इमरजेंसी नहीं याद होगा, इनको शायद न्यूक्लियर डील नहीं याद होगा, इनको शायद क्या इमरजेंसी के बाद में इन्होंने एन टी रामाराव की सरकार कैसे टर्मिनेट की थी, इनको जगदम्बिका पाल का रोमेश भंडारी नहीं याद होंगे, कुछ नहीं याद है इनको। सन 80 में बंसीलाल को कैसे इन्होंने अपने पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये बिल्कुल नहीं याद होगा। ये लोकतंत्र का हमें बता रहे हैं कि खुद ये दुर्योधन बनके द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं, ये शायद लोकतंत्र की। अरे आपके बिकाऊ हैं क्या विधायक कि आप मैरियट होटल में लेके जा रहे हैं, जयपुर में लेके जा रहे हैं, वो लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया जो लालच में आ जाते हैं, आप लालच में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को आप टिकट देते हैं, वाह क्या बात है, घर पे घर पे अपने घर को आप बचा नहीं सकते, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, घर पे डील करने पहुंचा दिया जाए विधायकों को, आप क्या चाहते हैं? अरे डील तो राहुल गांधी करते थे, न्यूक्लियर डील, डील तो इटली में होती थी, अरे आप तो राजीव गांधी जी ने की, डील तो डील शब्द ही आपसे आया था, ईमानदारी की बात करते थे, डील तो शब्द आपसे ही आया है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, आज कहां गए अडवाणी जी के विचार, आज कहां गए अटल जी की वो बातें, आज कहां गए वो चीफ मिनिस्टर, जहां पर आपने लोकतंत्र में, यही एनसीपी में अजीत पवार जी जब इनको शपथ दे रहे, उस समर्थन देने की बात चल रही थी, तो पाक साहब थे, सीनियर लीडर ऑफ द एनसीपी, ऐसे ऐसे ये बोलते थे, आज इनको तमाम मीडिया के केस आते हैं, ये केस आते हैं, अरे डी सी कुमार का भी केस याद कर लीजिए कर्नाटक में। अरे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, अनुरुद्ध जी इतिहास नहीं पढ़ाना लोगों को, इतिहास नहीं पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं हम, नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आज की बात, अनुरुद्ध जी इतिहास की बात हमें सिखा रहे हैं, प्रमोद कुमार लोकतंत्र का चीरहरण बता रहे हैं, खुद दुर्योधन बनकर द्रौपदी का चीरहरण किया है, इतिहास मत बताइए, इतिहास मत बताइए, अब होने क्या वाला है ये बताइए, तथ्यों की बात कर रहे थे, अच्छा ये बताइए कल अच्छे थे, आप क्यों गंदे हो रहे हो, इतना क्यों दर्द हो रहा है? चलिए ठीक है, फिर मैं अगर आपको हो रहा था, उत्तम व्यक्ति थे हरीश जी, अगर आपको इतना दर्द हो रहा था शिवसेना की चिट्ठी दे देते, प्रमोद कुमार जी अच्छा ठीक है आप इतिहास के आगे भी आप मार कर पा रहे हैं, नाटक बंद करिए, प्रमोद कुमार नाटक आप बंद करिए, प्लीज 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 आपको अच्छा पब्लिक, प्रमोद कुमार जी ये पब्लिक सब जानती है जी, प्रमोद कुमार जी मेरे को ये बताइए कि अब कल जो अजीत पवार साहब की जो बैठक हुई है देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई है, कहा जा रहा है 1 घंटे के आसपास ये बैठक हुई है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर वाकई आंकड़ा नहीं है अजीत पवार के साथ तो ये बैठकों का दौर जारी क्यों है, और अगर जारी है तो वाकई कुछ छुपा हुआ तो ज़रूर है, आप थोड़े ही अपनी दूर दृष्टि अपनाते हुए मुझे बताइए कि दरअसल क्या हुआ होगा इस बैठक में। देखिए अभी जो इनके पास जो स्टेक है कि इन्होंने जो है विधान
जो सभा था, ये जो विधान उनका विधायिका था उसके ये नेता थे एनसीपी के, विधानमंडल विधान का नहीं, विधानमंडल नहीं, विधायक का, विधायक दल, हाँ विधायक का, तो इसके कारण और जो उन्होंने हस्ताक्षर दिए हैं, अब इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो सारे हस्ताक्षर जो है जेन्यून है, तो कहीं ना कहीं चूंकि उसका नेता होने के कारण, विधायक दल के नेता होने के कारण इनके लीगल वे में ये सही है, इसीलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि जो गवर्नर साहब ने इनको स्टेक गवर्नमेंट बनाने के लिए और सीएम और डिप्टी सीएम जो बनाए हैं उसमें कहीं कानूनी रूप से कोई गलतियां नहीं थी, कोई विसंगतियां उन्होंने नहीं पाई, ऐसा हुआ है। बाकी रह गई, अरे सर ऑपरेशन में साफ कर दिया, यदि ये नहीं होता ना तो प्रमोद जी आप, हाँ आप ही बात कीजिए, बिल्कुल अभी दो मिनट, उन्होंने एक चीज को तो क्लियर कर दिया प्रोसीडिंग में, या तो इतनी भी समझ अब कांग्रेस वालों के नहीं है तो अब हम क्या बताएं, जो भी सारा नहीं समझ सकते हैं लीगल वे में, तो फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी दिन में ऐसे कर दिए रात में कर दिए, अरे रात दिन क्या होता है, आप ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं और इस तरह की आप बात कर रहे हैं, मनु सिंघवी साहब ने ये कर रहे हैं कि जो टोटली इलिजिटी मेट है और फलाने है ये। अच्छा प्रमोद जी कल की कितनी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, मैं बता रहा हूं, मैं इसी पर ये समझना चाहूंगा, फ्लोर टेस्ट के अलावा अगर अजीत पवार साहब जो कि विधायक दल के नेता बनकर गए थे और शायद विप का अधिकार उनके पास रहना था लेकिन अब ऐसा नहीं है, विधायक दल के वो नेता नहीं है, विप वो जारी नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ आगे होने वाला है, तो उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो साफ तौर पर सरकार गिरने जा रही है। नहीं पठानिया साहब देखिए ये दो पार्ट था, थोड़ा मैं आपको बिल्कुल एलेबोरेट करके मैं बता रहा हूं, तो एक पार्ट जो गवर्नर का इश्यूज वाला था वो क्लियर आ गया है, दूसरा पार्ट आ गया है फ्लोर टेस्ट का। अब फ्लोर टेस्ट का जो है वो टाइमिंग का केवल है, बड़ा स्पेसिफिक हो गया है, टाइमिंग का है, तो हमें जो ऐसा अनुमान लगता है जो काफी आर्गुमेंट वगैरह हुआ है और ये है, तो हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कल जो है 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में कहेगा फ्लोर टेस्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब फ्लोर इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट शायद कर सकती है कि जो प्रोटेम स्पीकर का एक आ रहा है बीच में अड़ंगा, बाद में यह स्पीकर क्या आएगा और ये सारे के सारे आप जो देखेंगे दारुमदार फिर दोबारे जो ट्विस्ट करके आ रहा है वो स्पीकर पे आता है, जैसा कि आपने बताया कि अजीत पवार साहब जो अभी भी स्टेक कर रहे हैं तो उनका लीगलाइज वे में है और यही वजह है, यदि ये नहीं होता ना तो आज देखिए शिवसेना का जो वहां से आ रहा है कि नहीं जी हम 2.5 साल के लिए भी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं, जब उनका स्टेक ही नहीं है तो फिर आप क्यों प्रलोभन दे रहे हैं, जब आप इतने बड़े उसमें कह रहे थे कि नहीं जी हम चीफ मिनिस्टर का नहीं देंगे, आज आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे पार्टी है इस चीज को समझ रहे हैं कि अजीत पवार के पास अहमियत है, लीगल उनका पावर है, तो इस वजह से जो है आज देखिए पवार साहब को भी कहना पड़ रहा है। प्रमोद जी यही सुनना चाहूंगा और दर्शक भी यही सुनना चाहते हैं, यही एक टेक्निकल टर्म है, मेरे को ये बताइए कि अजीत पवार साहब के पास अब क्या पावर है, फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर का चुनाव होना होगा तो स्थितियां तो वहीं क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल देखिए अब जो है कुल मिलाकर के आएगा कि स्पीकर के पास पावर जाएगा, जैसे इसके पहले आप जो देखे जो थोड़ा बहुत गवर्नर साहब के पास था, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट के पास आया, उसके बाद तीसरा जो अभी फ्लोर टेस्ट में जैसे ही आता है तो वो सारा का सारा पावर आ जाता है स्पीकर के ऊपर में। अब स्पीकर जो है इस चीज को करेंगे उस स्टेज में, यदि ये लीगलाइज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ने माना, तो व्हिप का पावर अजीत पवार के हाथ में जाता है, और यदि व्हिप का पावर अजीत पवार साहब के पास आता है तो ये मान के चलिए कि ये सरकार जो है कंटिन्यू करेगी, इसमें जो है कोई डाउट नहीं होगा, और हो सकता है यहां आपको दिखा दे, दर्शकों को जरा बता दें, वो अपने टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं हयात होटल की, ये तस्वीरें मुंबई से, और यहां पर एनसीपी के नेता शरद पवार पहुंचे हैं, मीडिया कर्मियों की अच्छी खासी भीड़ यहां। एक तो मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है कि ये जो कंडक्ट है ना होटलों में और सफारी में और जो है रिजॉर्ट में ये घुमाना, ये एक तरह से प्रजातंत्र की हत्या है। आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पर्सन जो है, और आप जो है इस रीट में लगाए हैं आर्टिकल 14 का कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, आप कहां लॉ को दे रहे हैं, आप जो चुने हुए कैंडिडेट हैं आप तो प्रजात का जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो है उनको आप बंधक बनाए हुए हैं, उनको आप फ्रीडम आप नहीं दे रहे हैं, फोन तक अपने जब्त करवा लिए, फंडामेंटल राइट का वायलेंस उसमें कर रहे हैं, तो ये तो हम समझते हैं कि इसमें क्रिमिनल एक्ट होनी चाहिए।
आप जो आप एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि नहीं वो लेटर जो है फ्रॉड करके लिया गया और ये लिया गया वो लिया है, तो वो लेटर तो क्लियर आ चुका है। अच्छा, अब सवाल है कि जो पर्दा आप ले रहे हैं वो फ्रॉड में आ रहा है, क्या बंधक बना करके प्रेशर बना करके उसको लिया जा रहा है। इस बात को मैं कांग्रेस से उनका जवाब लूंगा, लेकिन इस बात से मैं ये समझना चाह रहा हूं आपकी बातों से, ये लग रहा है कि अभी गेम जो है अजीत पवार के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा स्पीकर साहब का जो चुनाव होगा उससे पहले क्या स्थितियां साफ नहीं हो जाएंगी? नहीं नहीं, देखिए स्पीकर के चुनने के बाद चीफ व्हिप कौन होगा वो पार्टी की मंशा पर तय होगा, और अब विधायक दल के वो नेता नहीं है, कैसे? मेरे को थोड़ी स्थितियां समझाइए। देखिए अब यहां पर एक बता रहा हूं कि जब आपने नेता इनको बना लिए हैं तो क्या आपने विधायक दल के नेता बनाए हैं? मींस विधायक ने अपना कंसेंट दिया था नेता देने के लिए, तो यदि आप नेता से हटाते भी हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर है कि विधायक के मत से ही आप नहीं रहेंगे, और विधायक दल का नेता है जब तक आपका फ्लोर नहीं आता है, क्योंकि उसका इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो आप ये जो है जब तक आप उनको ये फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तब तक वो एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, वो कहेंगे, और उसमें भी आपस में बहुत सारे फूटे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनका स्टैंड रहेगा और व्हिप का जो है वो लीगलाइज किया जाएगा। कि अभी व्हिप चीफ व्हिप वही है और स्पीकर के चुनाव से पहले वो अपने एनसीपी के विधायकों को व्हिप जारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे स्थिति में होगा, और बाय द वे वो बायकॉट करते हैं तो हो सकता है उनका जो दल है वो खतरे में आ जाएगा। तो वो तो उन्होंने कह दिया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ वो लागू करेंगे उन पर अगर ऐसा होता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आदरणीय प्रमोद कुमार जी को थोड़ी जानकारी कम है। हाँ, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा जी, मैं समझा, मुझे नहीं पता आप बहुत बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं, लेकिन थोड़ी सूचना का अभाव है जी। जो एनसीपी पार्टी है उसके 54 विधायकों ने एक विधायक कम के अलावा जयंत पाटिल को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। नहीं होता, चुनने के पश्चात उसकी सूचना आदरणीय राज्यपाल महोदय को दे दी गई है। हाँ। और जो पुराने जो नेता थे उनको हटा दिया गया है। पहले तो ये सूचना प्रमोद कुमार जी अपनी दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, ये आपका इलीगल लॉजिक है। आप लीगल इलीगल का मुझे गवर्नर को दिए उसका रिलेवेंस कहां है? आपका कहना ये है, आप प्रमोद कुमार जी आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बननी चाहिए और सारे कमियां। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रमोद जी की बात पूरी आने दीजिए, इनकी बात पूरी आने दीजिए। इन्होंने दो प्रश्न उठाए, पता नहीं हरीश जी के पास क्या थर्मामीटर है या बैरोमीटर है। लीगल एक्सपर्ट से आप कह रहे हो, प्रमोद जी सुन लीजिए, किसी का सुनना भी सीखिए। ठीक है हरीश जी, आपने बोला है, सुन भी लीजिए, आप अधिवक्ता हैं, दो मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। पहली बात तो ये सूचना आप दुरुस्त कर लें कि जो जयंत पाटिल हैं वो अब नेचुरल एनसीपी पार्टी के विधायक दल के नेता है। नंबर दो बात जो आपने दूसरी बात कही और कि वहां पर लिया जा रहा है राज्यपाल फलाने होटल में ले गए, फला होटल में ले गए, उस होटल में ले गए। देखिए ये सारी प्रक्रिया जो है आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि चार एनसीपी के एमएलए को अज्ञातवास में किडनैप करके यहां पर गुड़गांव के अंदर एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी तक ने करप्ट किडनैप कर रखा था। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? देखिए आपने विधायक यहां बैठे हुए, सुनिए संजय द्विवेदी जी, ये बताइए कि दरअसल आपके विधायक यहाँ क्या कर रहे थे? शिवसेना एनसीपी के विधायक संजय राउत साहब कह रहे हैं कि यहाँ किडनैप कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। आप बात बात पे तो कोर्ट पहुंच जाते हैं, आपने एक एफआईआर रजिस्टर नहीं करवाई होटल के अंदर? कैसी बातें, आपके विधायकों को उठा के ले जाते हैं, गुड़गांव ले जाते हैं, मर्जी से रुके हुए हैं। आप उनकी बात आ रही थी, संजय द्विवेदी जी की बात आ रही थी। अरे हरी जी संजय जी आपके पास लौटेंगे, थोड़ी आपकी आवाज में इको आ रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, सवाल है प्रमोद जी का। देखिए क्या भारद्वाज, इससे मैं पूछना चाहूंगा कि इनके फैमिली में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो क्या उसको घर में बंद कर देंगी?
क्या उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है या उसको बंद कर रहे हैं स्टूडियो में? आप यहाँ पे जो ये बंद कर, अरे भैया एक अंधा आदमी भी होगा जो अल्पज भी होगा वो भी देख रहा है कि पुंचिन होटल में आज महीनों से बंद किए हुए हैं, रिजॉर्ट बदल रहे हैं, होटल चेंज कर रहे हैं और सारे के सारे एक तरह से बंधक बना रहे हैं। आपके मीडिया में खुल के आ रहा है किसी का मोबाइल रख रहे हैं आप, उसका इससे मतलब फ्रीडम एक विधायक है भैया वो कोई लेवा नहीं है आपका कि आप बंधुआ मजदूर बना दिए, यहाँ तो बंधुआ मजदूर भी इलीगल है, परमिंदर जी चलिए परमिंदर जी नहीं निकल है और आप एक विधायक को कानून का निर्माता। अच्छा ठीक है परमिंदर जी, परमिंदर जी अभी मौजूदा स्थिति क्या है मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे। दरअसल कि अगर अजीत पवार साहब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनका फेवर होना भी शुरू हो गया है, एसीबी ने 9 केस वापस ले लिए हैं, भगवान जाने हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरीके से शुरू हो गया है सब कुछ, ये मीडिया में आ गई है बातें और उसके बाद फ्लो टेस्ट पास नहीं कर पाती है फडणवीस सरकार, सरकार नहीं बन पाती है, तो दोबारा कभी एनसीपी पर ऐसे सवाल खड़े कर पाएगी बीजेपी? देखिए दोबारा कभी एनसीपी पर ऐसे सवाल खड़े कर पाएगी बीजेपी? मुझे पहली बात तो हजारों करोड़ रुपयों की जो घोटाले की जो स्टोरी चल रही थी इसको तिलांजलि दे देगी बीजेपी? देखिए पहली बात तो ये कि समाज में सब नंगे हैं, आज जितने भी राजनेता हैं जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके किरदार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, जिन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया है, जनता सकते में है और जो बड़े और पुराने नेता है वो भी सकते में है, क्योंकि सत्ता के लिए मतलब कि कोई इंसान इतना गिर सकता है ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो दो अलग अलग किनारे हैं, देखिए पहले जब अलायंस होता था दो विचारधाराओं के बीच में अलायंस होता था, अब कोई विचारधारा तो है नहीं, सत्ता के लिए कांग्रेस एक छोर है और शिवसेना दूसरा छोर है। अच्छा जब साथ साथ में बताते चलिए कौन कितना गिरा है, सबसे ज्यादा कौन गिरा है? देखिए सब देखिए ये पैरामीटर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो आप शुरू से मैं बात करता हूं, जब पहले उन्होंने सबने मना कर दिया हम सरकार नहीं बना सकते, जब इनकी आपस में सांठगांठ चल रही थी तो कांग्रेस ने अपना डिसीजन नहीं लिया, जब कांग्रेस ने अपना डिसीजन नहीं लिया तो फटाफट बीजेपी ने उनके इन टाइम प्रेजिडेंट रूल लागू कर दिया। जो आप कह रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं उनको एक होटल में जमा कर लिया जाता है, ये एक आम प्रक्रिया है, ये आज से नहीं 20 साल से चल रही है, क्योंकि सबको एक तरह से जैसे मोबाइल भी ले लिए जाते हैं, सबके मोबाइल भी ले लिए जाते हैं और ये 20-25 हम अपने आप अपनी आंखें बंद कर लें तो ये नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जितने भी विधायक होटलों में थे वो बिल से बाहर आ गए, तो वो फिर डीलिंग शुरू हो गई, डीलिंग शुरू हो गई। इन द मीन टाइम तीनों पार्टियों में समन्वय बैठा और उन्होंने अपना एग्रीमेंट हुआ, डील हुई, किसी ने पैसे लिए, किसी ने डिप्टी सीएमशिप ली। इससे पहले शरद पवार जी प्रधानमंत्री से मिलने गए और उन्होंने कहा कि जी मैं किसानों के लिए मिलने गया हूं। असल में शरद पवार जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को उतना विश्वास नहीं था, उन्होंने अजीत पवार को टारगेट किया क्योंकि उनके ऊपर इरिगेशन के बहुत सारे मुकदमे हैं और उनका जो यही हरीश भारद्वाज जी इस बात पे आप बिल्कुल ठीक थे कि ले जाना पड़ता है होटलों में रखना पड़ता है, क्योंकि आपने भी होटलों में रखे, शिवसेना ने भी होटलों में रखे, सर एनसीपी ने होटलों में उस वक्त तो छोड़े हुए थे और जिन्होंने छोड़े थे विधायक उन्हीं के विधायक। देखिए जब प्रेसिडेंट रूल में अपनी बात कर लूं, अजीत साहब वही गए, कुलदीप जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एनसीपी ने जो प्रधानमंत्री 2014 का बयान रखने जरूरी है, 2014 का बयान है प्रधानमंत्री का, नेचुरली करप्ट पार्टी, और चक्की पीसिंग का बयान है देवेंद्र फडणवीस का हैं अजीत पवार के लिए, और आज देवेंद्र फडणवीस ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी, ये कैसी पार्टी? अरुण जी यही सवाल आपसे है, ठाकरे ने सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था? शायद अगर मैं यहाँ बोल दूं हरीश जी चले जाएंगे, क्या कहा था सोनिया गांधी जी के बारे में अगर वहां पे समझौता करने के लिए? आप क्या बात करते हैं? शिवसेना के जवाब देंगे, हिंदू ने कट्टर जवाब देंगे, क्या गए जी? देखिए हमारा शिवसेना के साथ केवल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के अलायंस है, महाराष्ट्र की जनता को सरकार देने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने ये आपका ही सीन क्रिएट किया हुआ है जी। अरे आपने इतना वक्त लिया, आपने इतना वक्त लिया, आप उनको उपमुख्यमंत्री बना देते, शिवसेना वालों को मुख्यमंत्री बना देते, समस्या क्या थी? हमें नहीं बनाना था भाई, हमें नहीं बनाते, क्यों है बात खत्म है, हमें आप बना के महाराष्ट्र की जनता को आप सरकार बनाते, मुख्यमंत्री बना रहे थे, ये तो उनकी ये आप चतुराई है कि आज अपनी ऐसी हालत कर दिए कि जो शेर कभी माधोसुरी से नहीं निकला था आज वो गली गली घूम रहा है, ये सच्चाई है, ये उन्होंने खुद अपनी हालत ऐसी की। आप भाई सत्ता के लिए थोड़ा बहुत त्याग करना सीखिए। अरे आप क्यों नहीं दे देते सत्ता के उद्धव ठाकरे जी को बना देते सीएम? आप त्याग कर नहीं बना पाए, एक चिट्ठी तो आपको देनी थी, त्याग कर देते, 25 दिन तक चिट्ठी नहीं दे रहे, आज यहाँ पे आप फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना रहे हैं, त्याग करना? अरे आपने क्यों नहीं त्याग किया, आप दे देते चिट्ठी, अरे हम लीजिए उद्धव जी
अच्छा कौशिक साहब, सिद्धांतों की राजनीति तो कहीं नजर नहीं आती, वो तो छोड़िए। मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इतनी लेट लतीफी की, क्या पवार साहब इस बात को कोसते होंगे या पवार साहब भी लेट लतीफी के उस कवायद में बराबरी के शामिल रहे। शिवसेना तो बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़ी है कि आओ बस आप आ जाइए, हमें मुख्यमंत्री बनाइए, जो मर्जी आपने लेना है सत्ता का कोई भी। अब ये देखिए, देखो न तो शिवसेना को कांग्रेस पे भरोसा था, ना कांग्रेस को एनसीपी। अच्छा, जैसे ये इंडियन क्रिकेट टीम पहुंचती ना, अच्छा मैं बता दूं पहले ये सब विधायक पहुंच गए, बिल्कुल नहीं। हरीश जी ये मानिए, चाहे बीजेपी तोड़ने हो चाहे पैसा देने हो, ये आपको भी शक है इस वजह से बस में रखते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन वो इकट्ठा करने का प्रयास है, डर है, मानिए ना, इसी वजह से इकट्ठे तो बस ये मानिए, हम झेल चुके हैं। ये मत कहो, गोवा की चोरी देख चुके हैं, ये मत कहो कि विधायकों के विश्वास पे भरोसे अपने मन से हैं, हम गोवा की चोरी देख चुके, को भरोसा नहीं है, त्रिपुरा की चोरी देख चुके, बिल्कुल हम मेघालय की चोरी देख, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कर्नाटक की चोरी देख चुके, बिल्कुल ठीक बात है। बोलिए कि हम बंधक बनाए हुए हैं, हमें डकैतों से डर है, बंधक बनाए हुए हैं, अब आप कह रहे हैं डकैत, आप ये लुटेरे थे 70 साल तक आपने देश लूट डाला। देखिए विधायकों को कोई गन पॉइंट के ऊपर नहीं लेके गया, विधायक जो है वो अपनी पार्टी के सामने अपनी छवि को सही रखने के लिए गए हैं कि हम आपके साथ हैं, जब तक उनको दूसरी तरह से जब तक उनकी दूसरी तरह से डील फाइनल नहीं होती। क्या बात कर रहे हो, कहीं का भी जाता है कि आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, तो ये अपने मन से कहते हैं विधायक, कहीं से निर्देश होता है, कहीं से विधायक मना कर सकता है सर, लेकिन वो दोनों तरफ से दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहा है। अगर वहां पे सरकार नहीं बनी तो वो इधर के भी नहीं रहेंगे, बिना पार्टी के विधायक का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा कौशिक साहब, दूसरी बार आते हैं, हमें जनता को ये भी बताना है कि दरअसल अब होने वाला क्या है, आप ये बताइए कि दरअसल फ्लोर टेस्ट तो हर हाल में होना है, फ्लोर टेस्ट हर हाल में होना है, अजीत पवार के पास नंबर नहीं है, गठबंधनिया साहब, सारी बिल्कुल जो बहस चल रही है बिल्कुल निरर्थक है। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया आज कि जो गवर्नर ने नियमानुसार किया उस पर मोहर लगा दी, नहीं लगाई, बिल्कुल कोई मोहर नहीं लगाई, सही कह रहे हैं, मोहर लगा दी। अब अरे एडवोकेट साहब ऐसा बिस्किट मत करिए, हम भी देख रहे हैं, आप राष्ट्रीय चैनल पे क्या समझ गए, आप गलत बात मत बयां करिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कोई नहीं आई अभी तक, सुप्रीम साहब कोई रूलिंग नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, हरीश जी हरीश जी कोई हरीश जी हरीश जी, अच्छा बात पूरी होने दीजिए, गाइड कर रहे हैं हरीश जी, बात कर लिया उसमें हरीश जी, हरी जी क्यों मिसगाइड कर रहे हो, आप सिर्फ जो है हरी जी ये इसमें जो है। अच्छा हरी जी कल सी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा अभी तक, आपको इसका मतलब एबीसीडी पता नहीं, आपको हरी जी हरी जी हरी जी गाइड कर रहे हैं हरी जी। अच्छा ठीक है, मुझे क्या विधायक बनना है, कोई डिसीजन नहीं आया, मैं 10.5 मिनट की बात नहीं मानूंगा। प्रमोद जी आप बोलिए, जब इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बात रख देना। प्रमोद जी को बुलवा लीजिए, कल ये टिप्पणी की, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की प्रमोद जी कि हमें गवर्नर ने जो डिसीजन लिया उसका हमें अधिकार नहीं है, कि वो उनको खुद के अधिकार है, ये बिल्कुल कहा कल ये कहा और ये सहमति है। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो पत्र है उस पर हस्ताक्षर गलत है, उसके आधार पर गवर्नर हाउस से रिकॉर्ड मंगाया गया, आज उस रिकॉर्ड पर कोई टिप्पणी नहीं की, केवल अब फ्लोर टेस्ट होना है, उस पर कल आदेश आना है। तो जब फ्लोर टेस्ट पे आदेश आना है, दूसरी मजबूरी आप ये समझिए कि गवर्नर ने जो डिसीजन लिया उस समय एनसीपी के नेता थे अजीत पवार साहब थे, उस समय डिसीजन लिया और उसी डिसीजन के उसी पत्र के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, ये बिल्कुल सच है। अब ये एनसीपी कहती है कि अब वो हमारे नेता नहीं है विधायक दल के, ठीक बात है, लेकिन जब डिसीजन गवर्नर ने लिया तब थे, तब उसमें डिसीजन हुआ, अब फ्लोर टेस्ट में पास होगा कि वो जो विधायक हैं वो उनके सरजी के साथ हैं, उनके भतीजे के साथ हैं, कि शिवसेना के साथ है, वो फ्लो टेस्ट में पता चलेगा। तो अब सारा डिसीजन फ्लो टेस्ट पे आना है, यही मैं समझना चाह रहा हूं, ये एस्पेक्ट में समझना चाह रहा हूं कि अब आपने कहा कि विधायक दल के नेता जो उस वक्त कागज पहुंचे राजभवन में उसके मुताबिक वही हैं, तो फिर क्या चीफ विप वही होंगे? बिल्कुल वही विप, अभी आज की स्थिति में वही है, बिल्कुल है आज की स्थिति में। और उनकी नाफरमानी बताओ, जब आप पत्र दे रहे हैं उनकी नाफरमानी,
उसकी लापरवाही होती है, चुना जा चुका है, तो उसके बाद डिसीजन हुआ डिसीजन उसके बाद जब जिस डेट पे जिस समय पे गवर्नर ने डिसीजन लिया, लेकिन उस समय विधायक दल के नेता जयंत पाटिल नहीं थे। लेकिन कौशिक साहब आज ही जयंत पाटिल ने अमित शाह जगन्नाथ है किसको समर्थन देना है तो लेकिन जो डिसीजन गवर्नर हाउस से द्विवेदी जी हो चुका है पहले उस पर तो डिसीजन आ जाए, मतलब पहले उस पर डिसीजन आ जाए ना। मैं ये जानना चाहूंगा कौशिक द्विवेदी जी, मैं बता रहा हूँ, यदि जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने माना होता तो आपका गवर्नर का आदेश डिसमिस कर दिया होता। अरे गवर्नर गवर्नर को भी गरिमा गिरा दी आपने, डायरेक्शन दो बार मुझे नहीं लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट गेट का जो देखे हो उसको, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या कहना है, जब इंडिकेट उसने कर दिया या तो इंडिकेट आपको समझ में नहीं आदेश दिया है, उन्होंने साफ सफाई रखा दिया कि आप आगे की बात कीजिए, फ्लोर टेस्ट की बात किया, फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होगा, आप जब एक सीढ़ी चढ़ करके अगला सीढ़ी पर चढ़े गए तो फिर पीछे क्यों देख रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी, एक की बात समझ आने दीजिए, इसका रिलेवेंस क्या है, प्रमोद जी एक की बात समझ आने दीजिए, मुझे बताइए कि हरीश जी ये बताइए आप इस बात को नहीं मान रहे जयंत पाटिल ने एज ए विधायक दल के नेता के तहत उन्होंने 54 जो विधायकों का हस्ताक्षर वाला लेटर दे दिया, अब इसके मायने हैं या नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल साफ है, हम कुछ भी बोलते रहे सच्चाई ये है कि जो जो आप पवार हैं अजीत पवार, उन्होंने उस पत्र का दुरुपयोग किया, उस पत्र के दुरुपयोग के माध्यम से वो वहां पर साइन करा करके रखा हुआ था विधानमंडल दल के नेता होने के नाते, वो तो उन्होंने उसको दुरुपयोग किया, लेकिन चूंकि एक नया विधानमंडल दल का नेता चुना जा चुका है और उसको पवार को हटाया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इस जो सरकार बनी हुई है उसको बहुमत नहीं है, क्यों टेक्निकलिटी की बातें कर करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये पहले समझना चाहिए। अनुरुद्ध जी आप भी बता दीजिए आप क्या समझते हैं, आप बता दीजिए, क्योंकि अब टेक्निकलिटी क्यों कर रहे हैं लोगों को। देखिए कौशिक जी, सरकार को बहुमत नहीं है, फडणवीस सरकार अल्पमत की सरकार है, जबरदस्ती बनाई गई है। अनिरुद्ध जी देखिए आपके पास है बहुमत, बताइए। बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, ये बात कौशिक जी ने प्रमोद जी ने बहुत काफी हद तक साफ बोल दिया है। देखिए उसमें है क्या कि जो ऐसे तो मान लिया कि कोई भी कल को मुख्यमंत्री है और चार लोग मिलेंगे, साहब विधानसभा के हमारे नेता नहीं हो तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल ने जो लेटर दिया गया था अजीत दादा पवार की तरफ से कि हम उनको समर्थन देते हैं, अगर इतना सब कुछ अजीत पवार को निकाल क्यों नहीं देते एनसीपी वाले, उनके घर पे जाकर उनकी आरती क्यों उतारते हैं। दिक्कत उनको यह है कि अजीत पवार जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये इनको डर है, और समस्या ये है कि अजीत पवार इस्तीफा नहीं देंगे, वो भी समझा समझ लीजिए, और कानूनी रूप से के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होगी, वो नहीं हो सकती, ये भी आप कहते जो एनसीपी के अंदर बने से हटा दिया, पार्टी हाईजैक हो गई, एक्शन लेने वाले नहीं आ रहे, मान्यवर आप समझिए आपकी पूरी पार्टी खत्म हो गई, अजीत पवार एजेंसीपी संजय द्विवेदी नहीं समझ में आ रहा है। अनिरुद्ध जी संजय द्विवेदी 6563 अनिरुद्ध जी संजय द्विवेदी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे थे, बिहार गए आप करिए आप मुख्यमंत्री संजय द्विवेदी जी ये बताइए, अब जो तलवार लटक गई है जिस तरीके से यहाँ मुझे पैनल से समझ आ रहा है, उनका मानना है कि विधायक दल के नेता अभी भी कानूनी रूप से अजीत अजीत पवार ही हैं, कि कौन है नेता कौन नहीं नेता है, कॉमन सेंस है। अच्छा क्या बोला, संविधानी किसी संविधान से पूछ लीजिए, अगर विधायक किसी बात को बना रहा है तो विधायक उसको हटा सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, विधायक का मजाक बनाया नहीं हो गया कि मरने पर विधायक रूल बुक से चलता है, नहीं वो अपनी खींच आप हटाते रहिए, आप किसी को भला बुरा कहिए, लेकिन अब टेक्निकल एस्पेक्ट पर हम आए तो क्या सरकार बचाने के लिए अजीत पवार काफी है, विधायक हटा सकते हैं विधायक, आप समझिए विधायक को हटा दिया, और हम बिहार की बात करिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, तो फिर कौशिक साहब जिस तरीके से आप कह रहे हैं फिर तो गेम ये है कि अजीत पवार वहां पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट में विप जारी करेंगे और जो उनके पाले में आ जाएंगे नहीं आए अजीत पवार की जरूरत है, तो एक आदमी बना दे जो आदेश जिस डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नर ने लिया है उसी के आधार पर वहां कार्रवाई होगी, केवल वोटिंग में यदि बीजेपी की सरकार गिर जाती है तो एक अलग बात है और उसके बाद डिसीजन होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, लेकिन जो गवर्नर ने डिसीजन लिया है फिर मैं दावे
रुपए के साथ कह रहा हूँ उसी पे आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा पर्टिकुलर बताते हैं फर्जीवाड़े से लिया है ना गवर्नर ने, अब ये अंतरात्मा बन जाइए कुछ लोक लाज भी रखिए इस चैनल में बैठ के, कुछ लोक लाज भी रखिए कैसे चोरी की है। अरे अंतरात्मा छोड़िए, अंतरात्मा छोड़िए, अंतरात्मा छोड़िए, लोक लाज भी कोई चीज होती है। जगदम्बा पाल को भूल गए आप उत्तर प्रदेश में, अरे हम तो जगदम्बा पाल को भूल गए, गलत थे तब तो सत्ता से हटा दिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग वही करेंगे क्या, वही करेंगे जो हमने गलत किया। ठीक है ठीक है, ये अंतरात्मा की आवाज को छोड़ देते हैं। प्रमोद कुमार जी, हाँ प्रमोद कुमार जी, मैं अभी टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते आते फिर वो थोड़ा भटक गए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने या तीनों की जो ज्वाइंट ये याचिका है इसमें क्या इस बात का भी जिक्र है, इस बात का जिक्र कि अजीत पवार जो है वो अब टेक्निकल तरीके से विधायक दल के नेता है? नहीं, वहां पे देखिए दो बातें आई थी जो रिट पिटीशन में है। एक तो यह है कि गवर्नर जो काम किए हैं वो गलत किए हैं, और दूसरा जो इश्यूज था कि आप फ्लो टेस्ट करवाइए 24 आवर्स के विद इन 24 आवर्स। तो आप देखिए कायदे से देखिए दोनों इनफ्लक्चुअस हो गया है, क्योंकि आज जो है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्लियर इंडिकेशन था, उन्होंने एक नहीं कई बार बोले कि आप अब इस इशू पर, गवर्नर के इशू पर जो आप उछाल रहे थे उस इशू पर आप बहस मत कीजिए। तो फिर तो जो नहीं फिर तो जो याचिका डाली है, फिर तो जो याचिका कि जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट करवाइए उसमें क्या फायदा है गठबंधन? हाँ, मैं बता रहा हूं आपका, मैं आ रहा हूं उस पे। देखिए उस पे था कि 24 आवर जो एक्यूरेट वर्ड है, कहीं आप हमारे पास पिटीशन का कॉपी हमें दिखा देता हूं, तो और जो ऑर्डर आया है ऑनरेबल कोर्ट का वो भी हमारे पास है, उसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि आप 24 आवर्स के अंदर में जो है फ्लोर टेस्ट करवाइए। अब ये देखिए 24 आवर के ऊपर तो हो गया, ठीक है ना, तो वो एक तरह से इनफ्रक्चुअस हो गया। अब सवाल एक मैं आपको कह रहा हूं जो अभी नहीं, आपकी बातों से तो ये उल्टा लग रहा है कि अब तो कांग्रेस को टाइम चाहिए था कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए टाइम मांगती कि अजीत पवार साहब को पटा ले थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है इसमें, और ये तो उल्टा हो रहा है ना, अगर यही बात है जो चेंज हो रहा है। मैं एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में नहीं, सेना जो अभी तक के अड़ी हुई थी कि हम चीफ मिनिस्टर को आप कुर्सी किसी को नहीं देंगे जैसे उनका घर का है, तो अब जो कह रहे हैं कि नहीं जी 2.5 साल के लिए अजीत पवार को दे दो, इवन जो है शरद पवार भी अब ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं आप घर में वापस आ जाओ हम आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। आप एक चीज बताइए ऐसा क्या सर्कमस्टांसेज हो गया जो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इलीजिटिमेट मैरिज है और एक तरफ जो है उसको कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपको और सुपीरियर बना रहे हैं, वो आपको डिप्टी सीएम बना रहे हैं हम आपको सीएम बना रहे हैं, तो ये प्रलोभन प्रलोभन है, बाजार में भाव लगा रहे हैं। हरी जी, अगर अगर ये बात सत्य है ये बात ठीक है, इसी तरीके से सुनवाई हो रही है, मैं माफी के साथ चाहता हूं बादवा साहब, मैं आपका कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अधिवक्ता हैं या भाजपा के प्रवक्ता हैं ये तय करना। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा प्रमोद जी बात आ गई, प्रमोद जी आपकी बात आ गई, प्लीज आपकी बात आ चुकी है। संजय द्विवेदी जी, टेक्निकल टर्म्स में एडवोकेट साहब ने जो समझाया उस हिसाब से तो लग रहा है फिर तो गेम खत्म है भाई साहब। इंडिया न्यूज से लेकर जितने न्यूज चैनल हैं सब आप देखिए, उसमें एडवोकेट जितने भी आ रहे हैं ये चूंकि भाजपा के समर्थक हैं इसलिए भाजपा वाली बात करेंगे, बरगाने की जरूरत नहीं कोई है, कोई बरगाने का काम नहीं बनेगा। अगर विधायक चुन सकता है जैसे मैंने कहा बिहार में मुख्यमंत्री अड़ गए थे कि मैं नहीं हटूंगा, नीतीश कुमार जी बनने जा रहे थे, जब नीतीश कुमार लौट गया नहीं माने वो विधायकों को हटा दिया। नहीं नहीं इधर उधर की बातें छोड़िए ना, अरे संजय जी इधर की बातें छोड़िए, अब बात बिल्कुल हो रही है कि फाइनल कैसे तरीके से फ्लोर टेस्ट को पास किया जाएगा, उसमें अगर लीगल टर्म्स में अजीत पवार साहब विधायक दल के नेता है, व्हिप जारी करने का उनके पास अधिकार है, तो फिर क्या बचा क्या आपके पास गठबंधन के पास? ले लेते हैं विधायक, इसका दोबारा चयन होता है, आप पता कर लीजिए भाई, आप संविधान बुक देख लीजिए। पठानिया साहब एक सवाल का जवाब मैं क्लियर कर देता हूँ, चलिए एक सवाल का ट्रेंड हो जाएगा। अच्छा संजय जी सुन लीजिए जरा, हस्ताक्षर ले लिए, आखिर वो सारे विधायक हैं, देखिए कानूनी का वो जो है निर्माता है, तो आप किस बिहाफ में आपने साइन किया था? क्या आप देखिए आज अभी जो कर रहे हैं छल का कर लिया गया, साइन ही नहीं किए जब राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया था तो अजीत पवार ही गए थे उस पत्र के आधार पर सरकार बनाने के लिए। विधायक दल का आप नेता हैं, तो नेता के हैसियत से आपने सारा पावर आप एक आदमी शरद पवार गए ना उनकी बेटी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा सारा का सारा पावर आप एक जो है रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है? ये जो प्रजातंत्र में तो यही होता है, विधायक दल का एक को देते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, और दूसरे दिन यहाँ से एक सिस्टम बना हुआ है कि एक नेता जो है हमारी बात को रखता है सारे लोग और इसको करें लीजिटिमेट है। प्रमोद जी आ जाता तो ये कहते कि नहीं जी वो फेक है, और फेक है तो आप क्रिमिनल केस कीजिए उस पे,
पवार दूसरी बात प्रमोद जी, दूसरे दिन 11:30 बजे एक पत्र गवर्नर को जाता है कि हमें और समय दिया जाए, उसमें समय नहीं दिया गया, वो उसके हस्तांतरण से गया, अजीत पवार के हस्तांतरण से गया, हमें समय दिया जाए, तो तब वो एनसीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय और विधायक दल के नेता थे, और जब वो गए हैं देवेंद्र जी के साथ तब भी उसी समय पर विधायक दल के नेता थे, शपथ ग्रहण समारोह तक विधायक दल के नेता थे, उसके बाद शाम को बदलाव हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है और समर्थन वापस ले लिया जाए और उसने पिछले डिसीजन लिए हैं उनको कैंसिल थोड़ी कर देंगे आप। दूसरी चीज और है कि यदि उनके पास पावर नहीं है तो फिर सीएम पावर क्यों दे रहे हैं, आप क्यों और पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, यदि उतना इलिजिटिमेट है और इलीगल पर्सन है उनका पावर नहीं है तो आप उनको और प्रमोशन दे रहे हैं, अभी दो दिन हुआ नहीं है डिप्टी सीएम का और आप सीएम का प्रमोशन दे रहे हैं, एक समय था आप पवार साहब का, आप देखिए सर पवार साहब का स्टेटमेंट आया हुआ है कि हमारा और शिवसेना में जब बातें हो रही थी तो हमने 2.5 साल का सीएम के पद पर किया था जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, और आज जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ है अजीत पवार साहब के पावर आ गया है तो आप जो है सीएम को पावर आप दे रहे हैं, सर बकालत आपके घर पे जाके करो या तो आपको बकालत का एबीसीडी पता नहीं है, बाकी बातें लिख रहे हैं आपका दिए पत्र लिख दिया ऐसे लिखवा दिया इलिजिटिमेट है, अप्रूव करो ना, प्रमोद जी सुन भी लीजिए, सुनना भी सीखिए किसी, आपसे सब आप बोल लीजिए, हरी जी प्रमोद जी रुकिए, हरी जी बोलिए, देखिए प्रमोद जी आप बात को समझिए, आप एक अधिवक्ता हैं, एक सवाल दे दीजिए आपको, आप बोलते रहिए, सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये क्या पूछना चाह रहा हूं कि आपकी टेक्निकलिटी के आधार पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो साफ साफ दिख रहा है 165 लोगों की अभी परेड होने वाली है, उसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब लोकतंत्र के अंदर विधायक एक व्यक्ति बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दे रहे दोनों प्रवक्ता, आप कह रहे हो उसका परमिंदर जी, परमिंदर ये सवाल तो उठता है, अगर शरद पवार भी खेले खिलाए हैं, शरद पवार साहब खेले खिलाए हैं, अगर 162 विधायकों की वो परेड करवा रहे हैं मुंबई में रहकर, कुछ तो मायने होंगे उसके, क्या मायने? आपको पूरी टेक्निकलिटी बताता हूं कि जो लीगली करेक्ट जो काम किया है ना बीजेपी की कटुनीति और राजनीति ने, इनको इनकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि उन्होंने रातों रात प्रेजिडेंट रूल लिफ्ट कर दिया, उसके बाद सुबह शपथ दिला दी, उसकी जो बेसिक रीजन ये थी कि ये सारा कुछ करने के बाद इनको 7 दिन का समय मिल गया, 7 दिन तक उनको अपने विधायकों को संभालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो खरीद फरोख का उन्हें समय मिल गया, और जो अजीत पवार हैं और शरद पवार हैं, अजीत पवार को उन्होंने मोहरा बनाया कि भी हम आप इस पर, क्योंकि वो विधायक दल के नेता थे, उनके पास सारी अथॉरिटी थी और वो लीगली सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब ये अब स्थिति ये है कि अब फ्लोर टेस्ट के लिए 7 दिन का समय है, इसीलिए उन्होंने कोर्ट के अंदर ये कहा है कि फटाफट आप फ्लोर टेस्ट इनका कराइए, अगर ये समर्थन, अगर ये समर्थन नहीं, कि मेरा सवाल, कौशिक साहब मेरा सवाल ये है कि प्रोटेम स्पीकर तो किसी को व्हिप जारी करने के निर्देश नहीं देगा, स्टूडियो में बैठकर तय नहीं कर सकते कौन क्या होगा कैसे होगा, स्पीकर तो नहीं देगा ना, फ्लोर टेस्ट कराने की मांग है, गवर्नर का अधिकार है, देखिए एक टेक्निकल बात मैं और बताता हूं, देखिए मैं आपको एक टेक्निकल, अजीत पवार जिसके साथ एक विधायक नहीं है और बताना चाहता हूं, उसी के आधार पर ये बात मेरे को क्लियर कीजिए कि प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर जो है वो तो अपना एक जो रीति है उसको पूरा करेगा, उसके बाद सर प्रोटेम स्पीकर का गवर्नर एक काम और है, स्पीकर जो होगा केवल सबको शपथ ग्रहण करा, अभी जो विधायक चुन करके आए हैं लेकिन एक्चुअल वे में वो विधायक नहीं है अंटिल और अनलेस कि वो विधानसभा में शपथ नहीं ले, स्पीकर जब चुना जाएगा गिनती नहीं चाहिए, बिल्कुल तब चाहिए, तब चाहिए गिनती, तब फसेंगे यहाँ पे, तब किसकी चलेगी, तब इनकी चलेगी विधायकों की, एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना का पर्रा भारी होगा उस समय,
उस समय जो 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 162 का दिखा रहे हैं चुनाव के बाद ही तो स्पीकर विप जारी करने के लिए यस तो पहले तो चुनाव होगा स्पीकर स्पीकर किसका अगर स्पीकर पे वोटिंग होती है स्पीकर की जहां 162 की जो बात कर रहे हैं अभी एनसीपी वाले शिवसेना वाले वहां 162 वोट तो स्पीकर इनका हो जाएगा और फिर जाकर के प्रोटेस्ट होगा तो पहले तो बीजेपी के लिए राह कठिन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले तो बीजेपी के लिए वही आप तब से दरअसल ये चल रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान है नहीं, नहीं, फिर ठीक है फिर हरीश भारद्वाज की बात नहीं फिर आप गलत समझे अभी जो फ्लोर टेस्ट तक बात होनी है वो इसी निर्णय पे होनी है कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है उससे पहले डिसीजन गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता उसमें जो लेटर पत्र दिया है उसके आधार पर जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो दोनों ही रहेंगे उस फ्लोर टेस्ट के आधार के बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर में किसके पास तो फिर तो बात क्लियर हो जाती है ना अगर आपके फ्लोर टेस्ट होना है उससे पहले स्पीकर बनेगा लेकिन फ्लोर टेस्ट में क्या होता है स्पीकर जो होता है जैसे राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करेंगे जो जिसको भी बनाना है वो बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे बहुत टेक्निकल इशू है डिसाइड ये करेंगे कि चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो चाहे फ्लोर टेस्ट के लिए चुनाव हो कि एनसीपी के लिए विप जारी कौन करेगा अजीत पवार करेंगे जयंत पाटिल करेंगे प्रोटेम स्पीकर का अधिकार होगा वहां पे अजीत अच्छा वो प्रोटेम स्पीकर का एग्जैक्टली वही बिल्कुल प्रमोद कुमार जी बात को तस्दीक कर दें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर का जो रोल होगा बहुत ही वाइटल रोल होगा क्योंकि वो जो है भीप का जो पावर आ रहा है वो प्रोटम स्पीकर स्पीकर को भी जो चुनाव तो होगा तो प्रोटम स्पीकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करके महाराष्ट्र की जनता तो लुआ ये है वो लोग वो सत्ता चलाना ही चाहती है चाहे वो प्रोटम स्पीकर के माध्यम से हो चाहे वो राज्यपाल के माध्यम से हो चाहे किसी टेक्निकलिटी के माध्यम से हो या फिर स्टूडियो में बैठ कर सारे लोगों के माध्यम वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज करना चाहती है पैसे तो अभी मामला पेचीदा है राज्यपाल सभी को पूरी बातों का ज्ञान मामला नहीं वक्त हो गया सरकार वक्त हो गया मामला पेचीदा है फ्लोर टेस्ट पर पता लगना है कि कैसे होना है लेकिन फ्लोर टेस्ट में भी कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन सारी बातों से निकलते हुए फिर पता लगेगा दरअसल महाराष्ट्र में मंगल किसका होगा हालांकि कल भी मंगलवार है और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा पहला मंगल तो यहां से होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे ही सब कुछ साबित हो पाएगा विधायक दल का नेता कौन रहेगा व्हिप जारी करने का अधिकार किसके पास रहेगा ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट जिसके पास होंगे वही अपना फ्लोर टेस्ट पास कर जाएगा जो फडणवीस साहब हैं उनकी मुलाकात जो हुई है अजीत पवार से ये माना जा सकता है कि इतनी कच्ची गोलियां किसी ने नहीं खेली अगर एक एक घंटे की मुलाकात हो रही है तो बहुत कुछ तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन 162 विधायकों के साथ जो परेड करने का दौर भी जारी है उसको भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि संख्या बल हमेशा काम आता है लेकिन फ्लोर टेस्ट पर ही पता लगेगा जो होगा फाइनल फ्लोर टेस्ट पर ही होगा उसका इंतजार करना ही होगा तो दीजिए इजाजत लेकिन बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहिए R9 टीवी के साथ नमस्कार देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है हमें डर लगता है कि सत्ताधारी जो आज हैं फ्लोर पे हारने के बाद कहीं राष्ट्रपति शासन फिर ना लगा दें सुप्रीम कोर्ट कल 10:30 बजे इस मसले पे अपना ऑर्डर पास करेगा